मैं आपको हिंदी व्यंजन ख के बारे में बताऊंगी। मैं आपको बताती हूँ कि ख को कैसे लिखा जाता है। आपको पता है ख से क्या है? ख से खरगोश। ख से खरगोश कितना प्यारा, भोला भाला, सबसे न्यारा। और देखो हमारे खरगोश को क्या पसंद है, क्या खा रहे हैं? हाँ जी, गाजर। अब आप भी अपने घर में ख से संबंधित कुछ वस्तुएं ढूंढने का प्रयास कीजिए और वस्तुएं सोचिए क्या होती है ख से। ख से खर, ख से खरबूजा। कैसा स्वाद है खरबूजे का? मीठा। ख से खजूर, खजूर भी बहुत मीठे होते हैं। और कब आते हैं वो? हमारे सर्दियों में आते हैं। और खरबूजा कौन से ऋतु का फल है? गर्मियों का। अब मैं आपको बताती हूँ ख को लिखा कैसे जाता है। चलो शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि ख को रेत में कैसे लिखा जाता है। पहले हमने क्या सीखा था? क, जो हमारे हिंदी व्यंजन का पहला अक्षर है। अब हम सीखेंगे ख। ख हमारे हिंदी व्यंजन का दूसरा अक्षर है। चलो सीखते हैं। यहाँ बनाया गोला, ऊपर लगा छत। ये है हमारा हिंदी व्यंजन ख। इसका और अभ्यास आप अपने घर पर एक ऐसी ही ट्रे बनाए जिसके अंदर आप सूजी, कलर, रेत कुछ भी डालें और बार बार लिखने का अभ्यास करें। इसे लिखने से आपकी लेखन में भी सुधार होगा और आपको लिखना बहुत आसान लगेगा। पेरेंट्स, इसके लिए आप एक बच्चे को एक ट्रे बना कर दें। मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ कि एक सैंड ट्रे बच्चे के लिए बना कर रखें ताकि जो अक्षर उसे मुश्किल लगता है लिखने में वो उस रेत में लिख कर देखे। बार बार रेत में लिखने से उसका अभ्यास अधिक होगा। ये है हमारा हिंदी व्यंजन ख। अब हम देखेंगे, और लिखने से पहले आप उसका उस अक्षर पर बार बार उंगली भी चलाएं। कैसे? देखो, ये है एक गोला लगाया, इसको दिया मोड़, फिर एक बनाई सीधी रेखा, उसको वापस लाकर एक गोला और ऊपर लगा दी छत। और साथ साथ अगर आप बोलते हुए इस पे उंगली चलाएंगे तो आपको और आसान होगा लिखने में। चलो अब हम इसे देखते हैं कि इसे हम अपनी कार्य पुस्तिका में कैसे लिखेंगे। लाइनों का उपयोग करना है, बीच की तीन लाइनों का। ये दो लाइनें हमारी हिंदी में मात्रा के लिए होती हैं, जिनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। ख लिखने के लिए ए सीधा, इसको दिया मोड़, हम लेके जाएंगे इसको ऊपर, फिर लाएंगे नीचे और यहाँ बना देंगे गोला और ऊपर लगा देंगे छत। ये है हिंदी व्यंजन ख। ध्यान रखिए, इसको इस लाइन से छूना है और यहाँ पर ख़त्म करना है। आप इसका अभ्यास अपनी कार्य पुस्तिका में, रेत की ट्रे में और ऐसे हवा में कहीं में भी करें और बार बार करें, जिससे आपके लेखन में सुधार होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें इन दो तीन लेखाओं के बीच में ही इस व्यंजन को लिखना है और इससे संबंधित कुछ वस्तुएं भी अपने घर में ढूंढने का प्रयास करें। धन्यवाद।